ऐसे जोड़े जो कभी किसी के साथ के सपने तो देखा करते थे, लेकिन फिर सोचते कि पता नहीं वो कौन होगा जो हमारा हमसफर बन हमें पूरा कर दे, जो हमारे अंदर के हुनर को आगे बढ़ाए, हमारा आत्मसम्मान बना कर रखे और बस मिलकर एक दूसरे की कमियों को पूरा कर दें। तभी तो सच्चे अर्थ में हम कदम और हम सफर बन पाएंगे। इन 51 जोड़ों के मन की उथल पुथल को समझा नारायण सेवा संस्थान ने, जहां संस्थान के बड़ी ग्राम स्थित परिसर में रविवार को 42वें निशुल्क दिव्यांग और निर्धन सामूहिक विवाह के इन यादगार लम्हों के साक्षी बने। अपनों के दुलार ने 51 जोड़ों के दिव्यांगता और गरीबी के दंश को भुला दिया और खुशी की नई राहों ने इन्हें निमंत्रण दिया। समारोह में बिहार से आया एक ऐसा जोड़ा भी था जिसमें वर सुनील दोनों पांवों से दिव्यांग था, जबकि उसकी जीवन संगिनी बनी प्रिया सकलांग थी। उसने बताया कि दिव्यांगों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए इस तरह का समर्पण भी जरूरी है। वहीं डूंगरपुर की शांता दाहिने पैर से जन्मजात दिव्यांग है और प्रतापगढ़ के केसरी मल हाथ से अपाहिज हैं। इन दोनों के चिकित्सा संस्थान में दोस्ती हुई और यहीं मिलते हुए जीवन साथी बनने का फैसला किया। देशभर से बड़ी संख्या में आए अतिथियों और धर्म माता पिताओं ने इन जोड़ों को प्रधानमंत्री के आह्वान एक पेड़ माँ के नाम थीम पर नवविवाहितों को तुलसी, अशोक, बिल्व और पीपल के पौधे भेंट करते हुए दाम्पत्य जीवन हरा भरा रहने का आशीर्वाद दिया। इस तरह के स्नेह लुटाते हुए वातावरण ने हर किसी को अपनेपन से भर दिया। नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक पद्मश्री कैलाश मानव, सह संस्थापिका कमला देवी अग्रवाल, अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल, निदेशक वंदना अग्रवाल, ट्रस्टी देवेंद्र चौबीसा और विशिष्ट अतिथि दिल्ली के कुसुम गुप्ता, नरेंद्र पाल सिंह, सत्यनारायण गुप्ता, ब्रजबाला, अलवर के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, गुड़गांव के नितिन मित्तल, सूरत के हरीश कुमार, मुंबई के सतीश अग्रवाल और उदयपुर के संतोष सिंह सलूजा ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गणपति की छवि के साथ दीप प्रज्वलित कर विवाह समारोह की पारंपरिक रस्मों की शुरुआत की। इससे पूर्व परिसर में दुल्हा दुल्हनों की गाजे बाजे के साथ बिंदौले निकाली गई। हाड़ा सभागार के द्वार पर दुल्हों ने नीम की डाली से तोरण रस्म का निर्वाह किया। इसके बाद श्रीनाथ जी की झांकी की आरती के साथ ही वरवधुओं का मंच पर प्रवेश हुआ। सजे धजे डोम में हजारों की मौजूदगी में वरमाला और आशीर्वाद समारोह संपन्न हुआ। दुल्हा दुल्हन के परस्पर बारी बारी से वरमाला पहनाकर हमेशा के लिए रिश्तों की डोर को उल्लास से अपने साथ जोड़ लिया। तालियों की गड़गड़ाहट और मंगल गीतों की सुमधुर गूंज की आह्लादित करती बेला, पुष्प वर्षा और आतिशबाजी ने वातावरण को और अधिक भव्यता प्रदान की। इस दौरान बाहर से आए अतिथियों में फोटो और सेल्फी लेने की होड़ मच गई। जोड़ों में कोई दूल्हा दिव्यांग था तो कोई दुल्हन, कोई दोनों ही दिव्यांग, कोई बैसाखी के सहारे तो कोई व्हील चेयर पर था। इनमें जन्मजात प्रज्ञा चक्षु जोड़ा भी शामिल था। वरमाला के बाद 51 वेदियों पर नियुक्त आचार्यों ने मुख्य आचार्य के निर्देशन में वैदिक मंत्रों के साथ पवित्र अग्नि के साथ फेरों की रस्म अदायगी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न करवाया। विदाई के वक्त सभी की आंखें नम थी। दुल्हनों को डोली में बिठाकर उनके विश्राम स्थल तक पहुंचाया गया, जहां से संस्थान के वाहनों से दुल्हा दुल्हन ने अपने अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान किया। जोड़ों को गृहस्थी का आवश्यक सामान, बर्तन सेट, गैस चूल्हा, संदूक, टेबल कुर्सी, बिस्तर, घड़ी, पंखा, परिधान, प्रसाधन सेट, मंगलसूत्र, कर्णफूल, बिछिया, पायल, लौंग, अंगूठी और अन्य सामग्री भी प्रदान की गई थी। संस्थान परिसर बड़ी में 42वां दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह समारोह चल रहा है। अभी वरमाला का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। कल हल्दी और मेहंदी रस्म का हुआ। कमाल के अलग अलग प्रकार के जोड़े, एक जोड़ा ऐसा था विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि दृष्टि बाधित लड़का पूर्णतः दृष्टि बाधित और लड़की को एक आंख से नहीं दिखता है। एक जोड़ा ऐसा था जिसमें लड़का दिव्यांग इस प्रकार से कि वो बैठकर ही चलता है, वो खड़ा भी नहीं हो सकता, और लड़की पूर्णतः स्वस्थ। तो इस प्रकार के जोड़े दिखते हैं तो मुझे लगता है कि ये त्याग की पराकाष्ठा है माता पिता के, अपने बिटिया को और अपने बेटे को दिव्यांग जीवन साथी दिलवाना कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, असंभव सा लगता है मुझे तो अपने जीवन में। और इसमें 51 दिव्यांग और निर्धन जोड़े हैं, भारत के विभिन्न राज्यों से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से कई सारे हैं, प्रतापगढ़ से, हमारे उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों से हैं। और आप देखिए बराती घराती सब लोग आए हैं भारत भर से इन्हें उपहार देने के लिए, इन्हें आशीर्वाद देने के लिए। तो ये 2 दिवसीय कार्यक्रम संस्थान में अभी चल रहा है लगातार। अभी फेरे का कार्यक्रम होगा कुछ ही क्षणों में, उसके पश्चात इन्हें हर प्रकार का दैनिक दिनचर्या का सामान दिया जाएगा, जिसमें मंगलसूत्र है, पायजब है, हाथों की चूड़ियां हैं, गोल्ड के मंगलसूत्र भी हमारे कई साथी लेके आए हैं जो इन्हें स्वयं पहनाएंगे। और आप देख रहे हैं सारे घर का सामान जो एक गृहस्थी के लिए आवश्यक होता है वो सब यहाँ प्रदान किया जाएगा।
धन्यवाद आपको, थैंक यू।